तो ठीक है गाइस, राइड कर दी हमने ऑफिशियली स्टार्ट। और अभी ये जो है यहाँ पे पंचकूला में आए हुए हैं, राइट साइड यहाँ पे शायद एक ट्रक पलटा हुआ है। तो गाइस अभी हम आए हैं पंचकूला में, पंचकूला से आगे आएगा परवाणू और पिंजौर। और गाइस अगर आप यहीं पे देखो, यहीं से आपको दिख रहा है कितने ज़्यादा यहाँ पे बादल हैं। मैं क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा बादल। ऑल द नेट पे मैंने देखा था, नेट पे लिखा हुआ था कि थंडर स्टॉर्म्स हैं, और मैं तभी आराम से आ गया बिकॉज नेट कभी सही नहीं होता और मेरे को लगा सनी होएगा, लेकिन यहाँ पे सही में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी दिख रहा है। और मेरे को नहीं पता ऊपर टॉप जब हम शहर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या बारिश आ गई होगी या कैसा वेदर होएगा, उसके लिए थोड़ा सा मैं हूँ क्योंकि मैं रेन कवर या कुछ ऐसा लाया थी, बट देखते हैं कैसा होएगा। अभी मेरा गोल है कि हम ठीक ठाक 2-3 घंटे लगा के सोलन पहुँच जाएँ, क्योंकि सोलन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पहुँचते पहुँचते सोलन को। टेम्परेचर ठीक है और अभी मैंने 2 बैग पैक किए हैं। तो गाइस जो मेरा मेन बैग है उसमें मेरी सारी कैमरा की इक्विपमेंट है, जैसा मैंने आपको घर पे दिखा दिया था। ऐसे मौसम में ना वैसे राइड करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। पूरी तरफ मतलब रोड बिल्कुल ठीक है, ना कोई गर्मी वाला मौसम है, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर है। और मैं बिल्कुल एवरेज स्पीड पर भी अपनी राइड कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि देखते हैं कितने टाइम में पहुँच जाएंगे। रोड यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बारिश भी नहीं आ रही। ऑल्दो शायद सुबह यहाँ पर बारिश आई थी, अभी मैं किसी से मिला था रास्ते में तो मैंने उनसे रास्ता थोड़ा सा पूछा था, तो कह रहे थे यहाँ पे भी बारिश आई थी सुबह सुबह काफ़ी। और इनफैक्ट काफ़ी जो रोड्स हैं गाइस वो बिल्कुल नई बन चुकी हैं। अब जाते टाइम मैं देखता हूँ कि कैसी आती हैं। ऑल्दो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ना ज़्यादा बारिश है ना कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन गाइस जो व्यू है ना यहाँ से, मैं आपको 2-3 अभी सिनेमैटिक शॉट दिखाऊँगा। इतना अच्छा व्यू गाइस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लाउड्स के बीच में राइड कर रहे हैं। इतना मतलब फैंटास्टिक सा व्यू है। और गाइस काफ़ी लोग कहते हैं कि इस वेदर में आना नहीं चाहिए, ऑफकोर्स लैंडस्लाइड्स का थोड़ा सा रिस्क होता है इस वेदर में, बट गैस जो नेचुरल जो आपको ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलती है ना, वो या तो मॉनसून के वेदर में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जनवरी के और दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है। और गैस अगर आप चैनल पे नए हो, आप गैस सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड बटन दबा के फ्री होता है गैस सब्सक्राइब करना। और अभी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि आप राइड पर क्या क्या लेके जाओ, कौन से बैग सबसे बढ़िया है, कोई भी मतलब राइड से रिलेटेड आपका राइडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। चैल से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, वहाँ पे सारे आगे गाइस, इतने ज़्यादा बादल हैं मैं क्या बताऊँ, अभी आपको सिनेमैटिक में दिखाऊँगा। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँगा। पहले यार मैं आपको ना कहीं अच्छे सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू चल रहा है, मिस ना करना, पूरी वीडियो देखना गाइस एंड तक। तो गाइस रास्ते में हमने बड़ी कम ब्रेक लिए हैं, अभी यहाँ से चल शायद 12 या 13 किलोमीटर दूर होएगा। फोन गिर गया था यार। तो गाइस मैं कह रहा था यहाँ से चैल 12 या 13 किलोमीटर दूर होएगा। अभी एक जगह आएगी जिसका नाम है साधुपुल, वहाँ पे गाइस एक ब्रिज था, 2014 में शायद वो टूट गया था बिकॉज एक ट्रक उसके ऊपर से जा रहा था, ओवरलोड हो गया था वो, और उसके नीचे रिवर है पुल के नीचे, और तो ब्रिज पूरा टूट गया था, वो दोबारा से बना है। तो अब पिछली बार जब गाइस एक बार मैं पहले होके आया था अराउंड शायद 2012 में, तब गाइस वो जो नीचे रिवर थी ना, आप उसमें ऐसी मतलब पैदल जा सकते थे कैजुअली। तो अब मेरे को नहीं पता वहाँ का क्या सीन है कि आप यहाँ पे जा सकते हो आराम से या नहीं जा सकते। एक बार गाइस मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ऐसे कहीं राइड करने आते हो तो अपने साथ 2 सिम लेके आना, एक कोई BSNL टाइप सिम लेके आ जाना, क्योंकि वो ही हर जगह चलता है। मेरा यहाँ पर सिम चल नहीं रहा है, वोडाफोन आइडिया का सिम गाइस मैं यूज़ करता हूँ, अभी बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, बिकॉज़ अगर आपको सिग्नल नहीं मिलता तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, नेट भी नहीं चलता और बिना नेट के तो आप मैप भी नहीं देख सकते, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आप एक हॉटस्पॉट भी अपने साथ कैरी कर सकते हो जो जियो का आता है। अभी गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा साधुपुल, सोलन में मैं रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए,
उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि यार जल्दी होती है, थोड़ी सी टाइम पे मैंने बोला पहुँच रहे हैं, फिर आज का दिन है, उसी दिन में हम सारा पैलेस भी कवर करेंगे चहल का। तो गाइस चहल का जो पैलेस है उसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, वो मैं आपको इसी वीडियो में अभी एंड में बताऊँगा क्या सीन है पैलेस का। और गाइस चहल में काफ़ी सारी चीज़ें, एक क्वेश्चन मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि शिमला जाएँ या चहल जाएँ, तो गाइस मेरा सिंपल सा आंसर है उन सब के लिए, अगर गाइस आपको मार्केट घूमना है या आपको क्राउड ज़्यादा अच्छा लगता है दिल्ली जैसा तो आप जाओ शिमला, बिकॉज़ वहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, बिल्कुल दिल्ली जैसा क्राउड है, रश होगी हर जगह और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी खाने की या किसी भी चीज़ की, होटल्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाएगी। चहल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट गाइस चहल में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शिमला में नहीं मिलेंगी। गाइस चहल में आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, आपको पीस मिलेगी, मतलब एक अगर आप बिल्कुल रिलैक्स करने आना चाहते हो ना और आपको ट्रैकिंग करनी अच्छी लगती है तो गैस आप चहल जाओ, चहल आपके लिए बिल्कुल। गैस इवन तक कि रास्ते में आप ये भी ना समझना कि आपको रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम मिलेगा, ये चहल का ही रूट है जिससे मैं जा रहा हूँ, अभी 12-13 किलोमीटर मैंने कहा था, शायद 10 या 9 रह गया होगा। और गैस आप रोड देख सकते हो बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है आज, जितनी बार भी गाइस मैं चहल आया हूँ इतनी ही होता है क्राउड। लेकिन यार गाइस यहाँ पे एक और बात है, ऑनलाइन जब आप होटल्स यहाँ पे बुक कराओगे ना तो एक बार ध्यान से कराना, बिकॉज 90% जितने भी होटल्स मैंने ऑनलाइन देखे उन सब का एक ही सीन था कि वो दूर थे चहल से, मेन सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, कहीं तो 9 किलोमीटर दूर भी थे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे अगर आप सिटी के अंदर जाओगे, सिटी के अंदर मेरे ख्याल से आपको 4 या 5 एटलीस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स को लेके, ठीक होटल्स हैं गाइस, ज़्यादा कोई फैंसी नहीं है बट ठीक है, आप वहाँ पे अच्छी तरह से मतलब क्लीन और हाइजीनिक है वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। अभी शायद मेरे को राइड करते हुए 5 घंटे हो गए हैं, काफ़ी जगह रास्ते में मैं रुका भी था शॉट्स लेने के लिए, तो शायद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लगा मेरा, आपका भी इतना लग सकता है, शिमला जाते हुए भी कई बार इतना टाइम लग जाता है अम्बाला से। बाकी गाइस यहाँ पे एक बात है कि आप जो रोड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड नहीं है, जैसे शिमला की मेन एक हाईवे है, इसकी रोड थोड़ी सी नैरो है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो वेदर है ना, और बिल्कुल जो एक काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं ये पाइन के, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक आपको फील देते हैं, बिल्कुल एक फॉरेस्ट वाली फील आती है यहाँ पे जब भी राइड करने आता हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे राइड करना थोड़ा सा फन भी है, बिकॉज़ यहाँ पे हर जगह कर्व्स आते रहते हैं जहाँ पे लीन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बाइक पे जब राइड करते हैं। तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है गाइस हिमाचल में, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं वेट भी नहीं कर सकता चहल तक पहुँचने की, इतनी सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर कर दी है मैंने, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो रही है अभी से ही। अरे यार बस आ गया, कैसे ब्रिज पे शिट, तो यार यहाँ पे तो ना थोड़ा सा गैस ध्यान से चलाना पड़ता है, पता नहीं चलती कहाँ से बस आ जाती है, और ब्रिज पे जगह ही नहीं थी, हम दोनों को ब्रेक मारनी पड़ी। ये राइट साइड जगह है गैस, यहाँ पे मैं पिछली बार रुका था जब मैं आया था, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे रुकना। यहाँ से नीचे ये वो जो साधुपुल का रिवर है वो भी जा रहा है, तो आपको अंदर से वो भी दिखेगा, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से मेरे ख्याल साधुपुल आ ही चुका होगा क्योंकि ये बिल्कुल जो मेन जगह वहीं पर है, यहाँ मेरे ख्याल आ गया है, कोई बोर्ड तो नहीं आया लेकिन मेरे को याद है यहीं पे अभी कहीं ब्रिज आने वाला होगा साधुपुल का। तो गैस अगर आप खाने की जगह कोई चहल में देख रहे हो ना तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन बताऊंगा, वो वहाँ चले जाना, वो बेस्ट हैं। सड़क बहुत छोटी है यार यहाँ पे, चलाना कहीं पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई भी नहीं रुकता, तो थोड़ा यार गाइस यहाँ पे ध्यान से चलाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ये आ गया मेरे ख्याल से साधुपुल, ये गाइस ये इसका ये ब्रिज है छोटा सा, ये इसके नीचे रिवर बह रही है और मेरे को नहीं पता कि आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, बट नहीं यहाँ पे अब कोई ज़्यादा रास्ता नहीं है नीचे जाने का, शायद कोई पैदल रुक के हो, लेकिन अभी मैं रुकने नहीं वाला यहाँ पे, वो देखो शायद रिवर दिख रहा है। और गाइस अगर आप क्यूरियस हो तो जो रिवर है, रिवर का नाम शायद अश्विनी है, मैंने नेट पे चेक किया था। और यार अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया चहल आया नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड यहाँ पे 25-30-35 इतनी जा रही है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रही। और बाकी वहाँ पे जाके मैंने होटल भी अभी कोई देखना है, मैं जल्दी से अभी वीडियो ऑफ करता हूँ और जल्दी से जल्दी देखता हूँ कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि अभी जो करंट गाइस टाइम हुआ है वो 12 बज चुके हैं, 12 के अराउंड टाइम हो चुका है, और अभी वहाँ पे सारी जाके वीडियो बनानी है, सारा शूट करना है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो ऑफ करता हूँ गाइस, एक छोटा सा टाइम लैप्स आपको दिखाता हूँ और मेन चहल में पहुँचते हैं, होटल बुक कराते हैं और फिर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? चलो टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
तो गैस अभी हम चहल पहुंच गए हैं और गैस अभी मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर करूंगा आप सबके साथ, और हम चहल पैलेस में जाएंगे जो चहल की सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और गैस रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी, मेरे को सारी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, तभी मैं थोड़ी सी बना नहीं पाया। तो गैस अभी चलते हैं मार्केट और चहल पैलेस एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस अगर आप रेस्टोरेंट देख रहे हो तो लेफ्ट साइड पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। बाकी गाइस यहाँ पे आगे भी दो तीन रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया। एक लेफ्ट साइड पे ये भी है, इसका मेरे को ना रिव्यूज़ पे कुछ पता चली ना कुछ और, तो इसका मेरे को पता नहीं कि आपको ये ट्राई करना चाहिए या नहीं, अच्छा भी हो सकता है। और इसके बाद एक इसका ये जो नया खुला फ्रेंडली नाम से कुछ है, ये इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप मतलब यहाँ पे आते हो तो आपको ये दो तीन चॉइसेस मिल जाती है, आप इनमें से ज़रूर देख सकते हो और अपने लिए बेस्ट जगह ढूंढ सकते हो। तो हे गाइस अभी आप लोगों ने मार्केट देखी, और मार्केट के बाद यहाँ पे ऊपर ये जो रोड टाइप या कुछ भी है जो पेमेंट सी है ये जाती है ऊपर चहल पैलेस को, और यहाँ से शायद 2 किलोमीटर दूर होएगा मेरे ख्याल चहल पैलेस। तो पैलेस में चलते हैं, देखते हैं पैलेस कैसा है। मैं तो 2-3 बार देख चुका हूँ, एक बार अब आपको दिखाता हूँ पैलेस के अंदर से भी और बाहर से भी, अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। और बाय द वे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, मेरे को नहीं पता टेम्परेचर कितना है बट अराउंड 17 तो लग रहा है, और मैं हाफ स्लीव की क्लोथ ले गया हूँ तो एक किस्म से अच्छा भी लग रहा है, इसलिए आते हैं। मतलब थोड़ा नॉर्मल तो टेम्परेचर जैसे 35-30 कुछ रहता है, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है तो इन्जॉय करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और यहाँ पे सारी तरफ जंगल ही जंगल है, अगर मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कोई भी नहीं है यहाँ पे, है अकेला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आसपास गाइस पूरा जंगल है। एक बार ऊपर आप पेड़ देखो इतने ज़्यादा ऊँचे हैं, बहुत सारे यहाँ पे वो भी बंदर भी दिखे। और अभी भी पैलेस काफ़ी ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कॉटेज लिखा है, पाइन कॉटेज नाम है ये रहा यहाँ पे, ये कॉटेज होएगा ये। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग प्लेस। अगर आपने रिलैक्स होना है तो आप ज़रूर यहाँ पे आओ। अगर अभी मैं शायद शिमला में होता तो शायद रिलैक्स ना हो पाता, बिकॉज गाइस वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मतलब अगर आप हाइकिंग या आपको ट्रैकिंग करनी अच्छी लगती है तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर आप ज़्यादा एडवांस हो ट्रैकिंग में तो यहाँ पे शायद 11 डेज के भी ट्रैक होते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अभी गाइस मैं चलता हूँ पैलेस की तरफ, और रास्ते में और कुछ अगर देखने को मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैलेस के बाद गाइस हमने एक्सप्लोर करना है क्रिकेट ग्राउंड है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वो ग्राउंड है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे टेम्पल और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, और सारी चीज़ें मैं आपको गाइस दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं पहले पैलेस में, और पैलेस के कहीं अच्छे से सिनेमैटिक शॉट देखते हैं। तो गाइस वेलकम टू महाराजा पैलेस। तो गाइस ये था चहल पैलेस,
और इसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ ऐसी है कि जो महाराजा पटियाला थे उन्हें शिमला में आने से रोक दिया था, तो उन्होंने जो भी जिन्होंने भी रोका था मिस्टर टाइप ने, उन्हें कहा था कि मैं शिमला से एक अच्छी सिटी बनाऊंगा और एक अच्छा शिमला से जो उस टाइम पैलेस था उससे अच्छा एक पैलेस बनाऊंगा। तो उन्होंने अब जाके ये चहल पैलेस बनाया और इस पैलेस को महाराजा पटियाला ने खुद बनवाया था और नो डाउट गैस काफ़ी अच्छा पैलेस है ये। और गैस इस पैलेस में काफ़ी लोग पहले तो कन्फ्यूज़ होते थे, जो थ्री इडियट्स मूवी है काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसकी शूटिंग काफ़ी लोग सोचते थे शिमला में हुई है, बल्कि उसकी शूटिंग यहाँ चहल पैलेस में हुई थी। तो मैंने बोला ये कई फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूँ, अंदर से आपने देख लिया कितना अच्छा है, अब हमने ग्राउंड एक्सप्लोर करना है और काफ़ी सारा और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो इस वीडियो में तो नहीं ऐड कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक सेकेंड पार्ट बनाऊँगा उसमें गैस ऐड करूँगा और उसमें फिर मिलते हैं गैस। अगर आप गैस चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हम ट्रैवल रिलेटेड, ड्रिंक्स रिलेटेड, सप्लीमेंट्स के रिव्यू, काफ़ी सारी चीज़ों से वाइड वैरायटी हमारे चैनल पे वैसी वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, टिल देन गैस राइट से टेक केयर एंड बाय।